हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे ह्यूंडई आई20 थर्ड जनरेशन ने अपनी सेल्स ग्रोथ के लिए क्यों स्ट्रगल किया। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ की फैक्टर्स को। पहली वजह है बढ़ती हुई कंपटीशन। ह्यूंडई आई20 के मार्केट में लॉन्च होने के बाद बहुत सारे नए मॉडल्स मार्केट में आए, जैसे कि यहाँ पे टाटा की एल्ट्रोस और टोयोटा की ग्लांजा, जो कि सिमिलर फीचर्स यहाँ पे कम्पिटिटिव प्राइस में ऑफर करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे ह्यूंडई आई20 के मार्केट वैल्यू पे फर्क पड़ा। दूसरी वजह है इसकी प्राइसिंग। थर्ड जनरेशन ह्यूंडई आई20 की यहाँ पे प्राइस रेंज काफ़ी हाई है, स्पेशली जब हम कंपेयर करते हैं इसके कंपटीशन से। इसकी हाई प्राइस पॉइंट काफ़ी कस्टमर्स को यहाँ पे ट्रिगर करती है, जिससे कि इसके सेल्स ग्रोथ पे असर पड़ता है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इसका जो बेस मॉडल है वो 7,04,000 रुपये से स्टार्ट होके इसका जो टॉप मॉडल है 11,21,000 रुपये तक पहुंच जाता है एक्स शोरूम। अब आप सोच लो यहाँ पे ऑन रोड तो मतलब 13 लाख तक पहुंच जाएगा इसका टॉप मॉडल, और ये तो नॉर्मल आई20 की बात है। अगर बात करते हैं इसकी यहाँ पे एन लाइन मॉडल की, तो एन लाइन मॉडल यहाँ पे 10 लाख रुपये से स्टार्ट होके 12,52,000 रुपये तक इसका एक्स शोरूम पहुँच जाता है, और यहाँ पे इसकी भी ऑन रोड आप देख लेना 14-15 लाख रुपये तक पहुँच जाता है। तो इसकी वजह से इसकी सेल्स ग्रोथ पे असर पड़ा। जबकि जो आई20 के कंपटीशन में कार्स है, जैसे कि बलेनो, ग्लांजा और भी जो भी कार्स है, वो यहाँ पे 10 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे उसके टॉप मॉडल आ जाते हैं। हालांकि इसमें फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं आपको, टॉप मॉडल में बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सनरूफ वगैरह। प्राइसिंग के हिसाब से इसमें फीचर्स और मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तीसरी वजह है इसकी यहाँ पे बैक डिजाइन। जो ह्यूंडई आई20 की जो बैक डिजाइन है वो कुछ यहाँ पे एल्ट्रोस से मिलती है, मतलब कुछ कॉपी ही हो गई है, और ऐसे दबी हुई सी लगती है, पीछे से अच्छी नहीं लगती ह्यूंडई आई20। हालांकि मेरे पास भी सेम आई20 है, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि पीछे से इतनी यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं लगती है कार। ऐसा लगता है कि फिर एल्ट्रोस पहले आ गई थी तो उसकी कॉपी ही लगती है। चौथी वजह है मार्केट सैचुरेशन। ह्यूंडई आई20 के पहले मॉडल्स ने अपनी पॉपुलरिटी इस्टेब्लिश कर ली थी, तो जब इसका नया मॉडल आया तो जो पहले वाले कस्टमर्स थे उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी सेल्स पे असर पड़ा और सेल्स स्लो हो गई। अब आखिरी में हम बात करते हैं कुछ इसके मतलब सेल्स फिगर्स के बारे में, कि कितनी सेल्स हो रही है इसकी। बात करें फरवरी 2024 की, तो इसकी 5131 यूनिट सेल हुई थी। मार्च 24 में इसकी 5155, अप्रैल 24 में इसकी 5199, मई 24 में 2169, जून 24 में 5315 और जुलाई 24 में 4937। मतलब एवरेज इसका निकाले तो एवरेज 5000 सेल्स ये पर मंथ की सेल्स कर रही है। जबकि बात करें इसकी जो कंपटीटर, मतलब 8 से 10 8 9000 10000 तक सेल्स कर पा रही है, जैसे कि बलेनो तो आप जानते ही होंगे मारुति की कार है, तो वो इसके ऊपर है और टॉप 10 में जगह नहीं बना पा रही है। इसके पहले वाली जो एलीट आई20 थी वो हमेशा टॉप 10 में रहती थी, लेकिन ये टॉप 10 में नहीं जा पा रही। हालांकि ह्यूंडई को इसका कोई भी असर नहीं हुआ है, क्योंकि ये 14-15 लाख रुपये तक जाती है। इसकी 5000 यूनिट भी इसकी 10000 यूनिट के बराबर है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो उसको यहाँ पे इकोनॉमिक के हिसाब से देखे, प्राइसिंग के हिसाब से देखिए तो ह्यूंडई के पास पैसा उतना ही जा रहा है, बस सेल्स कम हो रही है क्योंकि प्राइस हाई हो गई है। यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ह्यूंडई आई20 ने अपनी सेल्स ग्रोथ को इंक्रीज करने में काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन वो इंक्रीज नहीं कर पाई। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने थॉट और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।